हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय के बारे में, जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि बिना फैमिली बैकग्राउंड के होके भी एक अच्छा सा एक्टिंग करियर बना सकते हैं। सो गाइस, हम लोग आज बात करेंगे कार्तिक आर्यन के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके अप्स एंड डाउन, उनकी मूवीज। सो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। कार्तिक आर्यन का बर्थ 22 नवंबर 1990 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है और उनके दोनों पेरेंट्स एक डॉक्टर है। एंड आल्सो इंटरेस्टिंगली, उनकी बहन भी एक डॉक्टर ही है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट पॉल स्कूल एंड ग्वालियर के किडी स्कूल से कंप्लीट किया है। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था, इसलिए वो एक्टर बनने के सपने भी देखते थे। फिर वो मुंबई चले आए और उन्होंने डीवाई पाटिल कॉलेज नवी मुंबई से बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक कंप्लीट किया। अगर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात किया जाए तो उनका नाम काफी एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया, इसमें का फातिमा सना शेख, सारा अली खान और नुसरत भरूचा, इनका भी नाम शामिल है। कार्तिक आर्यन ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 2011 में की और उनका फिल्म का नाम पैर का पंचनामा था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उनके अभिनय की चर्चा हर जगह होने लगी। और साथ ही साथ उनका एक इस फिल्म में एक 5.5 मिनट का एक मोनोलॉग भी था, जिससे उनको काफी आइडेंटिटी मिली। प्यार का पंचनामा के सक्सेस के बाद उन्होंने आकाशवाणी और कांची द अनब्रेकेबल इस फिल्म में भी एक्टिंग का काम किया। और उसके बाद उन्होंने प्यार का पंचनामा का सीक्वल 2015 में प्रदर्शित किया और उसमें भी उनका 7.5 मिनट का एक मोनोलॉग था, जिसकी वजह से वो दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय भी हुए। उन्होंने उसके बाद काफी सारे फिल्म में काम किया, जैसे कि गेस्ट इन लंदन, सोनू के टिटू की स्वीटी, लुका छपी, पति पत्नी और वो। इन सब में उनके सोनू के टिटू की स्वीटी एक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी और जिनसे उनको एक अच्छा नाम भी मिला। और रिसेंटली उनकी भूलभुलैया 2 भी बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त फिल्म साबित हो गई है, जिसमें उन्होंने कियारा आडवाणी के साथ काम किया है। फेम के साथ ही साथ उनका फैंस की तरफ जेस्चर भी एक अलग ही मिसाल देता है, जिसकी वजह से वो काफी लोकप्रिय भी है। उन्होंने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। अब हम बात करते हैं कार्तिक आर्यन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन की थी, उसके बाद ही अपने माता पिता को अभिनेता बनने की इच्छा जाहिर की थी। सेकेंडली, जब उन्होंने ये प्यार का पंचनामा साइन किया था, उसके बाद उन्होंने अपनी लास्ट ईयर इंजीनियरिंग बीच में ही छोड़ दी थी। उसके बाद जब वो एक्टर बने, तब उन्होंने लास्ट ईयर की एग्जाम देके उनकी डिग्री हासिल की थी। कार्तिक आर्यन फोर्ब्स इंडिया की फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 2019 के लिस्ट में भी दिखाई दिए थे। कार्तिक आर्यन को लव रंजन, जो कि पैर का पंचनामा के डायरेक्टर थे, उन्होंने फेसबुक पे देखा था, जिसके बाद उन्होंने इस फिल्म के लिए उनको कास्ट किया था। सो गाइज, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट कार्तिक आर्यन। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर भी थोड़ा ऐसे थोड़ा मार दीजिए, हाथ आप थोड़ा सा मार दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।